गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। इज द नंबर 38 डिविजिबल बाय 2, बाय 4, बाय 5? ओके, 38 क्या डिविजिबल है 2 से, 4 से, 5 से? बट एक्चुअली डिवाइडिंग 38 बाय दिस नंबर वी फाइंड दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 2। जब हम 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से, 5 से, सो ये किससे डिवाइड होगा 38? देखो, हम 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 1 8, सो 2 9 ज़ा 18, ये डिविजिबल बाय है 2। ओके, अभी 38 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, सो 4 4 9 ज़ा 4 9 ज़ा 36 होता है, 4 10 तो 40 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, सो ये तो 36 सॉरी सो ये तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब डिविजिबल बाय 4 नहीं है। सेम वाइज अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 ज़ा 35 है ना, इधर भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, सो ये तो दोनों डिविजिबल नहीं है, तो 2 इज़ डिविजिबल बाय 38। सो बट एक्चुअली डिवाइडिंग 38 बाय दिस नंबर वी फाइंड दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4 एंड बाय 5। लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड अ पैटर्न दैट कैन टेल अस वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय। क्या हमें पैटर्न देख के मालूम पड़ सकता है कि ये डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 11 है? डू यू थिंक सच पैटर्न कैन बी ईजली सीन? So we will search this by divisibility test of 10, 5, 8, 3, 6, this numbers. Divisibility by 10, first test is divisibility by 10. Charu was looking at the multiples of 10. So Charu is a girl, he is looking एट द मल्टीपल्स, जो मल्टीपल हैं 10 के वो उसको देख रही है कि मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या है, जो 10 के टेबल में आते हैं, 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, ये सब मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स मैंने आपको सिखाए थे प्रीवियस क्लास में, व्हेन आई हैव टॉट यू एक्सरसाइज 3.1। सो ये मल्टीपल्स इस तरह निकले 60 तक। शी फाउंड समथिंग कॉमन इन दिस नंबर, उसने कुछ कॉमन देखा इन नंबर्स में। कैन यू टेल व्हाट, क्या आप बता सकते हैं उन्होंने क्या कॉमन देखा? ईच ऑफ दिस नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस। इसमें आपको दिख रहा है वंस प्लेस कौन सा होता है, यहाँ से हम काउंट करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऑफ वंस, वंस प्लेस पे सबके नंबरों के पीछे उसको ज़ीरो दिखाई दिया। शी थॉट ऑफ सम मोर नंबर्स विद ज़ीरो एट वंस प्लेस लाइक हंड्रेड, थाउजेंड। ओके, शी ऑल्सो फाउंड दैट ऑल सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। और उसने ये नोट किया कि ये सब नंबर भी जिनके वंस प्लेस पे ज़ीरो होता है सो वो डिविजिबल बाय 10 है। शी फाइंड दैट इफ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। और इसके थ्रू वो क्या रिजल्ट निकाल रही है कि उसने फाइंड किया कि जो नंबर के वंस प्लेस पे ज़ीरो होता है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, इन सेम वे हम इसमें 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे, सो 5, 10, 15, 20 सब में 0, 5 आ रहा है वंस प्लेस पे, सो इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस डिविजिबल बाय 5। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। डिविजिबल बाय 2 कब होगा, जब वंस प्लेस पे क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर सम ऑफ डिजिट जो है मल्टीपल ऑफ 3 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। जैसे 2 प्लस 1 सम ऑफ डिजिट क्या है 3, तो ये डिविजिबल बाय 3 है। 3 प्लस 6 सम इसका आंसर 9 है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अभी 3 प्लस 7 10, सो ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6।
इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, अगर नंबर डिविजिबल है 2 और 3 से सो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी बाय 4, अ नंबर विथ 3 or more डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4. नंबर फॉर्म बाय इट लास्ट 2 digit इज़ डिविजिबल बाय 4. की डिविजिबिलिटी में ये क्या बता रहे हैं, 4 की डिविजिबिलिटी में, कि एक नंबर है 3 or more डिजिट से बना हुआ है. सो डिविजिबल बाय 4 कब होगा, इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 digit, जो उसके लास्ट 2 digit होंगे मीन्स 1s or 10s, वो जो होंगे डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 4. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर विथ 4 or more डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 digit इज़ डिविजिबल बाय 8. मतलब लास्ट 3 digit उसके डिविजिबल बाय 8 होंगे तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करेगा 8 की. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. ओके, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर मतलब एडअप करेंगे तो उसका डिविजिबल 9 से होगा अगर वो नंबर, तो वो डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा 9 की. जैसे 2 + 7 9 है, सो इट इज़ डिविजिबल ऑफ 9. यस, हियर 5 + 2 + 8 + 3 18, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9. यस, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11. डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस मीन्स फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर. इफ द डिफरेंस इज नाइदर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. मतलब उसका डिफरेंस जो है 0 आता है या 11 है, डिविजिबल बाय 11 आंसर आता है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 11. इन्हें टेबल के थ्रू समझाना चाहे, जैसे नंबर दिया है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट एंड डिफरेंस. डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या डिविजिबिलिटी बाय 11 आना चाहिए, तो वो डिविजिबिलिटी बाय 11 होगा. सो 308, इसका सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस देखो, ऑड प्लेस कौन सा है, 1 and 3, तो 1 है यहाँ पे 8 और थर्ड प्लेस है 3, तो 8 + 3 = 11. और सम ऑफ डिजिट एट इवन, इवन पे क्या है 0, सो 11 - 0 डिफरेंस इन दोनों का क्या आएगा, 11 - 0 = 11. सो ये डिविजिबल बाय 11 है, 308 इज़ डिविजिबल बाय 11. नाउ चिल्ड्रन, आई हैव एक्सप्लेन यू द डिविजिबिलिटी फ्रॉम 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिविजिबिलिटी I will teach you this exercise 3.3. I will be sending you this PDF and in next video I will be explaining you the exercise 3.3.